डीएनए स्ट्रक्चर फंक्शन रेप्लिकेशन एंड रिपेयर। तो इसके बारे में पहले पढ़ रखा है आई सपोज, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रखा है, रेप्लिकेशन पढ़ रखा है, रिपेयर के बारे में पढ़ रखा है, पहले पढ़ा है कोचिंग में, ट्वेल्थ में कहीं? ओके okay. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। क्या होता है स्ट्रक्चर, किसने बताया स्ट्रक्चर डीएनए का? वॉटसन एंड क्रिक। सो द डिस्कवरी ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर वॉज डन बाय फ्रांसिस क्रिक एंड जेम्स वॉटसन एंड थ्री पीपल वर जॉइंटली अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर दैट इंक्लूडिंग मॉरिस विल्किंस। क्या स्ट्रक्चर होता है? राइट हैंडेड डबल हीलिक्स। तो इस डबल हीलिक्स में एक पोलर बैकबोन होती है और एक नॉन पोलर कोर होता है। तो बैकबोन इज मेड अप ऑफ ऑल्टरनेटिंग फॉस्फेट एंड शुगर, वेयर एज द कोर इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। यस, इधर बातें नहीं, जिसको बात करनी है बाहर जाए। सो अनदर थिंग अबाउट द स्ट्रक्चर इज द स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दैट मीन्स जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग में ही एग्जिस्ट करते हैं। द स्ट्रैंड्स आर ऑल्सो एंटी पैरेलल। व्हाट डू यू मीन बाय एंटी पैरेलल? क्या एंटी पैरेलल मतलब? ऑपोजिट डायरेक्शन। इसमें एक डायरेक्शन का कंसेप्ट होता है। सो वन स्ट्रैंड रन्स फ्रॉम 5' to 3', डैश नहीं होता है, इसको 5' मत बोला करो। दिस इज 5' to 3', अनदर एंड गोज फ्रॉम, वो भी 5' से 3' ही जाता है बट इन रिवर्स डायरेक्शन। देर इज अ माइनर ग्रूव विच इज ऑफ 3.4 angstroms एंड देर इज अ मेजर ग्रूव दैट इज 36 angstroms। तो ये इसका ट्विस्ट और टर्न होने का भी एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है। नाउ देयर आर सर्टेन स्ट्रक्चरल वेरिएशंस इन द डबल हीलिक्स। तो थ्री तरह के डबल हीलिक्स देखने को अभी तक ऑब्जर्व किए गए हैं। तो इनको कहते हैं ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए। तो ओनली द जेड डीएनए इज लेफ्ट हैंडेड। ये पीछे वाले बेंच खड़े हो जाओ, सारे खड़े हो जाओ पीछे वाले, मैं अटेंडेंस नहीं दूंगा खड़े नहीं होगे तो। खड़े हो जाओ सारे, लास्ट टू बेंचेस प्लीज स्टैंड अप एंड प्लीज माइग्रेट टू फ्रंट बेंचेस। आ जाओ जल्दी आ जाओ, अरे कोई कैपिटल पनिशमेंट थोड़ी दिया है तुम्हें, आगे तो बुला रहा हूं। और कोई आगे आना चाहता है? फ्रंट बेंचेस उठो मैडम, फ्रंट बेंच पे आओ। ये दरवाजा बंद करना है एकदम। राइट, सो ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए। ओनली द जेड डीएनए इज लेफ्ट हैंडेड, वेयर एज द अदर टू फॉर्म्स आर राइट हैंडेड हीलिक्स। तुम यहां पे भी आवाज नहीं आ रहे यार, इतने ना लायक। इनके टर्न्स में कितने बेस पेयर्स आते हैं उसमें भी डिफरेंस है। सो देयर आर 11, 10.5 and 12 बेस पेयर्स पर टर्न रेस्पेक्टिवली। बेस किस एंगल पे अलाइंड होते हैं वो भी डिफरेंस है, बाकी सब में 90 डिग्री पे अलाइंड होते हैं जो बैकबोन होती है उससे। ओनली इन ए डीएनए इट इज टिल्टेड एट 20 डिग्री। ये मिलते कहाँ का है? बी डीएनए इज द नेचुरली अकरिंग फॉर्म ऑफ डीएनए दैट अकर्स इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी सेल के अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो मोस्टली बी डीएनए होता है, बट उसमें जो जी सी रिच रीजन होते हैं लाइक सेंट्रोमियर्स एंड टीलोमियर्स ऑफ द क्रोमोसोम, वहां पे आपको जेड डीएनए भी देखने को मिलता है। And ADNA is found under artificial crystalline form. क्या डिफरेंस है DNA और क्रोमैटिन में? DNA कहाँ होता है सेल के अंदर?
न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में कैसे अरेंज्ड होता है क्रोमैटिन? वो क्रोमैटिन क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड क्रोमैटिन? कंडेंस्ड फॉर्म, ओके। सो डीएनए इज एसोसिएटेड विद अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स, दीज आर नोन एज हिस्टोन प्रोटीन्स। तो जब ये हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ एसोसिएट होता है देन इट इज नोन एज क्रोमैटिन। देर आर बेसिकली फाइव टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, याद करने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहला अरेंजमेंट होता है इसका इन अ फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोजोम। तो हिस्टोन प्रोटीन्स का एक ऑक्टामर बनता है, इस ऑक्टामर के अराउंड डीएनए जो है उसको लपेट दिया जाता है, तो दैट बिकम्स अ न्यूक्लियोजोम। ये लास्ट वाला डायग्राम दिख रहा है, दिस इज न्यूक्लियोजोम। फिर न्यूक्लियोजोम का हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है 10 नैनोमीटर फाइब्रिल। तो मल्टीपल न्यूक्लियोजोम्स आर लिंक टुगेदर इन अ लीनियर फॉर्म बाय अ लिंकर डीएनए। उस लिंकर डीएनए पे जो हिस्टोन होती है दैट इज डिफरेंट, ठीक है। सो इसकी इसकी विड्थ जो होती है वो 10 नैनोमीटर होती है, तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द 10 नैनोमीटर फाइब्रिल। नेक्स्ट लेवल होता है, यही फाइब्रिल जो है ये एक सोलेनॉइड फॉर्म में होता है, दैट इज नोन एज 30 नैनोमीटर सोलेनॉइड। देन फर्दर दिस सोलेनॉइड अंडरगोज सुपर कॉइलिंग, क्योंकि इतना लंबा स्ट्रक्चर है इसको कॉम्पैक्ट रखने के लिए सुपर कॉइलिंग की जरूरत होती है। सो अल्टीमेटली इट अंडरगोज सुपर कॉइलिंग और इस तरह से डीएनए जो है क्रोमैटिन में कॉम्पैक्ट तरीके से ऑर्गेनाइज होता है। एंड फाइनली ये सब सुपर कॉइलिंग मिला के बनाते हैं क्रोमोजोम्स। नाउ कमिंग टू डीएनए फंक्शन, क्या फंक्शन है डीएनए का? ओके, स्टोरेज। स्टोरेज के अलावा, हाँ, सिर्फ स्टोर करने से थोड़ी होता है, उसको स्टोर करके प्रोग्रेसिव जो जनरेशन ऑफ सेल्स है उनमें उसको प्रोपगेट करना पड़ता है। सो डीएनए इज बेसिकली लाइक अ वास्ट डॉक्यूमेंट, एक बड़ी कोई कुक बुक है, रेसिपी बुक है, उसकी तरह है, दैट कंटेन्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन, जिसको आप रेसिपी बोल लो, फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑल द प्रोटीन्स दैट आर फाउंड विद इन एन ऑर्गेनिज्म। तो पहला फंक्शन है डीएनए रेप्लीकेशन। सो डीएनए हैज टू बी रेप्लीकेटेड इन ऑर्डर टू करेक्टली ट्रांसमिट दिस इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिविजन टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सेल्स वाइल एंश्योरिंग मिनिमम एरर्स, कि इस प्रोसेस में कोई एरर्स नहीं हो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। इधर से भी उठ जाओ, लास्ट की थ्री बेंचेस, उठ जाओ उठ जाओ, लास्ट थ्री बेंचेस, गेट अप, लास्ट थ्री बेंचेस, प्लीज गेट अप, पधारिए सामने। इधर इधर सर, इधर आप चारों लड़कियां खड़े हो जाओ, इधर आओ सामने। इतनी किलकारियां मार मार के क्यों हंस रहे हो भाई? हैं? छोटे बच्चे हो क्या 2 साल के? अलग अलग बेंचेस पे बैठ जाओ, आप इधर आओ, जो ज्यादा सी आ रही है जिसको वो इधर आ जाओ। सेकेंड फंक्शन इज टू अलाउ ट्रांसक्रिप्शन, बिकॉज इट इज अ रेसिपी बुक, तो इस रेसिपी को किसी को पढ़ना भी आना चाहिए। तो इस रेसिपी को कॉपी किया जाता है इनटू अ डिफरेंट फॉर्मेट, दैट फॉर्मेट इज कॉल्ड एज आरएनए, ताकि इस आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। देन इट ऑल्सो हैज टू अलाउ रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग सेल डिविजन, इट हैज टू अलाउ रिकॉम्बिनेशन सो दैट देर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर जेनेटिक वेरिएशन। सो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ डीएनए। नाउ देयर इज समथिंग नोन एज सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी इन्फॉर्मेशन डीएनए से कैसे फ्लो होती है। व्हाट डू यू मीन बाय द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, हाउ दिस इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड एंड यूज्ड।
ये किसने प्रपोज किया था ये वाला? फ्रांसिस क्रिक ने. सो फ्रांसिस क्रिक प्रपोज्ड एट दैट टाइम कि डीएनए इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, सो इट हैज टू रेप्लिकेट इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट दैट इन्फॉर्मेशन ओवर सक्सेसिव जनरेशन. इस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसक्राइब किया जाता है. ट्रांसक्राइब करना मतलब उसको लिखना एक दूसरे तरीके से, तो उस दूसरे तरीके को कहते हैं हम आरएनए. फिर वो आरएनए में जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई उससे उसको ट्रांसलेट किया जाता है इनटू प्रोटीन सीक्वेंस. तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था, बट ओवर द इयर्स सम न्यू कंसेप्ट्स हैव बीन डिस्कवर्ड कि फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इज नॉट यूनिडायरेक्शनल. आरएनए से भी डीएनए बनाया जा सकता है. सो दिस इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. ये जनरली हर केस में नहीं देखने को मिलता है, बट सर्टेन वायरसेस, दीज आर नोन एज रेट्रोवायरसेस लाइक एचआईवी, दे आर केपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग डीएनए फ्रॉम आरएनए. तो एचआईवी का मोड ऑफ इन्फेक्शन इसी तरीके से होता है. एचआईवी का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है. वो सेल के अंदर जब एंटर करता है वाइट ब्लड सेल के अंदर, तो वो आरएनए से पहले डीएनए बनाता है. दैट डीएनए गेट्स इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट डीएनए या ह्यूमन डीएनए, और वो उस डीएनए के साथ साथ रेप्लिकेट होता रहता है. एक और चीज पता चली कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएनए ही रेप्लिकेट कर सकता है, आरएनए कैन ऑल्सो रेप्लिकेट. तो दे आर सर्टेन वायरसेस, दोज आर नोन एज आरएनए वायरसेस. आप पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर माइक्रोबायोलॉजी में, लाइक इन्फ्लुएंजा वायरस एंड द रिसेंट कोविड पैंडेमिक जिसकी वजह से हुआ, सार्स कोव टू वायरस, दीज आर ऑल आरएनए वायरसेस. तो इनमें आरएनए भी रेप्लिकेट कर सकता है. दिस इज द होल कंसेप्ट बिहाइंड कि कैसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो मेंटेन रहता है. नाउ कमिंग टू डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले बताओ, सेल साइकिल के बारे में पता है आप लोगों को? क्या होती है सेल साइकिल? सेल डिवीजन. अच्छा, सेल डिवीजन जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस के क्या क्या फेजेस होते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. पर जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता है उस फेज को क्या कहते हैं? इंटरफेज. सो इंटरफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल एंड इट इज सब डिवाइडेड इंटू थ्री फेजेस. फर्स्ट इज G1 फेज, देन S फेज एंड G2 फेज. तो सेल डिवीजन का तो बहुत एक छोटा सा फेज होता है, उसके बाद सबसे पहले आता है जी फेज, G1 फेज. तो G1 फेज में क्या होता है? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स. डीएनए के साथ कुछ भी हरकत करनी है, कुछ भी उसमें चेंजेस लाने हैं, तो उसको कुछ ना कुछ प्रोटीन्स उस पर एक्ट करेंगी, कोई एंजाइम्स, प्रोटीन्स, ये सब इस पर एक्ट करेंगे. तो ये प्रोटीन्स जो है ये डीएनए पे बाइंड करती है. दीज जो भी रेप्लिकेशन में चाहिए होती है, दीज प्रोटीन बाइंड टू द डीएनए इन G1 फेज एंड दे फॉर्म प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स. इन S फेज फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन पूरा इसमें कंप्लीट होता है. G2 एंड M फेज में जितनी भी प्रोटीन्स उसके साथ एसोसिएट होती है वो दोबारा डिसोसिएट हो जाती है एंड देन द सेल कैन डिवाइड. तो सेल डिवीजन से पहले डीएनए का डिवीजन या डीएनए का रेप्लिकेशन होना जरूरी. अब ये क्या है हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन? बताओ, कुछ आइडिया है? अभी मैंने बताया क्रोमैटिन क्या होता है, हिस्टोन के साथ एसोसिएटेड होता है, राइट? सो इट इज वेरी टाइटली पैक्ड. अब जब डीएनए इतना टाइटली पैक्ड होगा तो उस पर सपोज करो कोई प्रोटीन बाइंडिंग साइट है, वो हिस्टोन्स के अंदर ही फंसी हुई है, तो क्या उस पर प्रोटीन्स बाइंड हो सकती है जिसको भी डीएनए के साथ रेप्लिकेशन कराना है या फॉर दैट केस ट्रांसक्रिप्शन कराना है, जो भी करवाना है. तो हेट्रोक्रोमैटिन इज द क्रोमैटिन इन विच डीएनए इज टाइटली पैक्ड बाय हिस्टोन्स एंड प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स आर सिक्वेस्टर्ड विद इन द न्यूक्लियोसोम्स. तो पहले इन साइट्स को फ्री करना पड़ता है. So heterochromatin will get converted into euchromatin. In euchromatin, these sites get free from their histone bondage. ये आप जीन एक्सप्रेशन में भी पढ़ोगे, जब ट्रांसक्रिप्शन होना होता है, जब डीएनए पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होनी होती है, तब भी इसको पहले हिस्टोन से फ्री करना जरूरी है. तो यहां से स्टार्ट होता है. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द सेलियंट फीचर्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. क्या क्या पता है
कुछ बताओ, कौन सी एंजाइम चाहिए होती है? डीएनए पॉलीमरेज। और क्या चाहिए होता है? आरएनए प्राइमर चाहिए होता है। हाँ, लाइगेज हेलिकेज, ठीक है, और फ्री न्यूक्लियोटाइड्स भी चाहिए होते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस एट ओरिजिन साइट एंड इज बाई डायरेक्शनल। तो एक ओरिजिन साइट होती है, वहां से दोनों डायरेक्शन में बराबर स्पीड से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। इट रिक्वायर्स डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक्टिविटी। और डीएनए पॉलीमरेज की स्पेशल बात यह है दैट इट रिक्वायर्स अ टेम्पलेट डीएनए। वो ऐसे सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स उठा के उनको आपस में स्टिच करके डीएनए नहीं बना सकती, उसको एक पहले एक टेम्पलेट डीएनए चाहिए होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो रिक्वायर्स अ प्राइमर, दैट इज द आरएनए प्राइमर। डीएनए पॉलीमरेज जो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करती है, दैट न्यू स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड इन 5' टू 3' डायरेक्शन बाय यूटिलाइजिंग फ्री न्यूक्लियोटाइड्स। रेप्लिकेशन इज सेमी डिसकंटिन्यूअस, यानी एक तो होता है लीडिंग स्ट्रैंड, एक होता है लैगिंग स्ट्रैंड। तो लीडिंग स्ट्रैंड पे जो सिंथेसिस होता है दैट इज इन कंटिन्यूअस फॉर्म, वेयर एज इन लैगिंग स्ट्रैंड इट इज इन डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। रेप्लिकेशन इज ऑल्सो सेमी कंजर्वेटिव, मतलब एक डीएनए में दो स्ट्रैंड हैं, वो स्प्लिट होगा, दोनों स्ट्रैंड पे एक एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा। तो जो रिजल्टिंग दो डीएनए के मॉलिक्यूल्स आपके पास बने, उनमें जो एक स्ट्रैंड है वो पेरेंट स्ट्रैंड रहेगा और एक स्ट्रैंड जो है वो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड रहेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद इनिशिएशन। ठीक है, थोड़ा जो आप लोगों ने कोचिंग में पढ़ा उससे अपन थोड़ा सा लेवल यहाँ इंक्रीज करेंगे, सो पे अटेंशन। नोट्स वोट्स ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार ध्यान दो। क्लासेस के वीडियोज आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, वहां से देख लेना अगर बाद में जरूरत पड़े तो। रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट जो है वो डिफर करती है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। इन प्रोकैरियोट्स जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह है, इनमें मोस्टली डीएनए जो होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे एक ओरिजिन साइट इज सफिशियंट, यहाँ से बाई डायरेक्शनल उसमें रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा और पूरा सर्कल कंप्लीट करके उसका टर्मिनेशन हो जाएगा। वेयर एज इन यूकैरियोट्स द डीएनए इज इन लीनियर फॉर्म एंड इट इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट क्रोमोजोम्स। तो हर क्रोमोजोम पे बहुत सारी डिफरेंट ओरिजिन साइट्स होती है एंड ऑन ईच साइट, यहाँ पे ओरिजिन साइट को हम कहते हैं ARS, दैट इज ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। तो हर ओरिजिन साइट से यहाँ पे बाई डायरेक्शनली डीएनए रेप्लिकेशन होता है, क्योंकि अगर एक से होने लग गया तो बहुत टाइम लगता है, बिकॉज द यूकैरियोटिक डीएनए इज जनरली वेरी लॉन्गर। इस तरह की होती है ये रेप्लिकेशन साइट। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है डीएनए अनवाइंडिंग एलिमेंट, यहां से डीएनए स्प्लिट होना चालू होता है। दिस रीजन इज रिच इन ए एंड टी रेजिड्यूज, यानी एडिनिन एंड थाइमिन रेजिड्यूज। डीएनए की अगर अपन बात करते हैं तो डीएनए में जब भी किसी सेगमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड होती है, उसकी बेंडिंग ट्विस्टिंग अनजिपिंग इस तरह की जो भी एक्टिविटी होती है, वो सारे रीजन एडिनिन और थाइमिन में रिच होते हैं। वेर एज कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे सेंट्रोमियर्स हो गए, टीलोमियर्स हो गए, ये रिजिड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, तो ये सब GC कंटेंट में ज्यादा रिच होते हैं। तो ऐसे ही DUE जो है डीएनए अनवाइंडिंग एलिमेंट, दिस इज रिच इन ए एंड टी। ओरिजिन रेप्लिकेशन एलिमेंट जो है इसका, जहां पे प्रोटीन बाइंडिंग होगी, इसमें कई सारी साइट्स होती है, नीड नॉट गो इन टू द डिटेल्स ऑफ इट, बट ये सारी प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स है। तो इनिशिएशन में क्या होगा, सबसे पहले जो प्रोटीन बाइंडिंग साइट है उस पर कुछ प्रोटीन्स आके बाइंड करती है, ORC, CDC6, CDT1, नाम बहुत ज्यादा याद रखने की भी जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए है। डीएनए एक लॉन्ग फिलामेंट है, जब उस पर कोई भी प्रोटीन बाइंड होगी तो वो उस पर एक स्ट्रेन क्रिएट करेगी, दिस रिजल्ट्स इन बेंडिंग ऑफ डीएनए। तो ये डीएनए को बेंड कराने का काम करती है। प्रोकैरियोट्स में इसकी जगह 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए ए प्रोटीन होती है। प्रोकैरियोट्स का बस जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है इनको। फिर उसके बाद एक एडिशनल ORC प्रोटीन डीएनए अनवाइंडिंग एलिमेंट पे भी बाइंड होगी, अगेन इस पे भी वो स्ट्रेन क्रिएट करेगी। स्ट्रेन क्रिएट करने की वजह से इसका डीनेचुरेशन हो जाएगा, यानी ए और टी के जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ये जो है ये दो इसमें स्प्लिट हो जाएगा,
दैट इज वाई इट इज नोन एज डीएनए अनवाइंडिंग एलिमेंट. यहां से अनवाइंडिंग स्टार्ट होती है. उसके बाद एक और प्रोटीन आती है, मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस प्रोटीन. हेलिकेज नाम की कोई प्रोटीन नहीं होती है. हेलिकेज इज द एक्टिविटी ऑफ द प्रोटीन, कि वो उसके हेलिक्स को स्प्लिट कर रही है. द प्रोटीन इन यूकैरियोट्स इज नोन एज एमसीएम, एमसीएम 2 to 7 ऐसे कई होते हैं, मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस प्रोटीन. अब ये डीएनए इस एलिमेंट में स्प्लिट हुआ है, डीनेचर हुआ है, तो उसमें एक गैप क्रिएट हो गया है, तो ये उस पर एक रिंग की तरह फंस जाती है प्रोटीन. तो एमसीएम प्रोटीन्स विल लोड ऑन द डीएनए स्ट्रैंड एंड स्लिप इनटू द डीनेचर्ड स्ट्रैंड. तो जिस भी स्ट्रैंड पे ये प्रोटीन फिक्स होती है, दैट स्ट्रैंड बिकम्स द लैगिंग स्ट्रैंड. यहां डिफाइन होता है कि लैगिंग स्ट्रैंड कौन सा होगा, लीडिंग स्ट्रैंड कौन सा होगा. ये सब हो जाता है बाय द एंड ऑफ G1 फेज. ये हमने बात करी थी प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ये होता है, ये बन जाता है बाय द एंड ऑफ G1 फेज. नाउ जो बाकी प्रोटीन्स थी, डॉकिंग प्रोटीन्स थी, वो सब हट जाती है, CDT1 एंड CDC6, ये प्रोटीन्स हट जाती है. एंड दिस इंडिकेट्स दैट द सेल साइकिल हैज प्रोग्रेस फ्रॉम G1 टू S फेज. अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, दैट इज नोन एज लाइसेंसिंग ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. लाइसेंसिंग का मतलब क्या है? लाइसेंसिंग मतलब एक सेल साइकिल में डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक ही बार होना चाहिए. अगर एक से ज्यादा बार होगा तो दैट सेल विल अंडरगो एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन एंड इट विल अल्टीमेटली कॉज कैंसर. तो ऐसा नहीं हो, रेप्लिकेशन सिर्फ एक ही बार हो, तो इसमें क्या होता है, एक एडिशनल प्रोटीन आती है जेमिनिन. वो जो ये सेपरेट हुई प्रोटीन से इनको बाइंड कर लेती है, ताकि ये प्रोटीन्स दोबारा डीएनए से बाइंड करके दोबारा से प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाए. दैट इज हाउ दे लाइसेंस द डीएनए रेप्लिकेशन टू अकर वंस एंड ओनली वंस ड्यूरिंग अ सेल साइकिल. कुछ और प्रोटीन्स इससे एसोसिएट होती है, पूरा कॉम्प्लेक्स बनाती है, CDC25 एंड जिन्स प्रोटीन. तो ये पूरा एक सुप्रा मॉलिक्यूलर प्रोटीन असेंबली वहां पे डेवलप होता जाता है. जब ये सब हो जाता है, तब फिर फाइनल जो कैटालिटिक प्रोटीन्स होती है जिनको रेप्लिकेशन कराना है, वो आके इस पे अटैच होती है. एंड देन फाइनली दिस इज नोन एज द रेप्लिजोम, जहां पे डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन प्रोटीन ए क्या क्या होती है अभी देखते हैं. रेप्लिकेशन फैक्टर सी एंड पीसीएनए. प्रोकैरियोट्स में इनके नाम डिफरेंट है, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन. क्या क्या फंक्शन है इस प्रोटीन का? ये जब डीएनए के दो स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं तो उनको दोबारा जुड़ने से रोकती है, ठीक है. पॉलीमरेज होती है, क्लैंप्स होते हैं जो डीएनए के स्ट्रैंड्स को जगह पे बना के रखते हैं. तो काफी सारी प्रोटीन्स होती है, इसीलिए इन सबका एग्रीगेशन ओरिजिन के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. फिर हेलिकेज एक्टिविटी स्टार्ट होती है एंड दिस स्टार्ट स्प्लिटिंग द डीएनए स्ट्रैंड्स. तो यहां बनता है रेप्लिकेशन फोर्क. तो जिस स्ट्रैंड पे MCM प्रोटीन अटैच होती है, दैट इज द लैगिंग स्ट्रैंड, वो उस पर 5' to 3' डायरेक्शन में मूव करती है एंड जो स्ट्रैंड है वो सेपरेट होता जाता है. रेप्लिकेशन प्रोटीन ए जो है, दैट इज सिमिलर टू द सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, ये यूकैरियोट्स में होती है, ये स्ट्रैंड्स को दोबारा जुड़ने से रोकती है. एक इसमें और एंजाइम एक्ट करती है, टोपो आइसोमरेज. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टोपो आइसोमरेज? क्या करती है? सुपर कॉइलिंग रोकती है. व्हाट डू यू मीन बाय सुपर कॉइलिंग? कॉइल तो है ही डीएनए ऑलरेडी, डबल हेलिक्स है तो कॉइल तो है ही. इमेजिन करो एक रस्सी है, रस्सी होती है ना, दो रस्सियों से इंटरट्वाइन होके एक रस्सी बनती है. तो अगर आप उसके दो एंड्स पकड़ के यूं खींचने की कोशिश करोगे तो नीचे वाला हिस्सा अपने आप घूमने लगता है. कभी किया है? देखा होगा या इमेजिन तो कर ही सकते. तो अगर इसी तरह से डीएनए को अगर हम स्प्लिट करना चाहें तो आगे के एंड्स अपने आप बहुत तेजी से सुपर कॉइल होने लगेंगे एंड दैट विल prove as a hindrance in the DNA replication process. तो ये सुपर कॉइलिंग नहीं हो, ये इंश्योर करती है ये एंजाइम टोपो आइसोमरेज. डीएनए पॉलीमरेज के रिगार्डिंग सम इंपॉर्टेंट फैक्ट, दैट फर्स्ट इट रिक्वायर्स अ प्राइमर, इट cannot synthesize DNA de novo. डायरेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स को स्टिच करके डीएनए नहीं बना सकता. इट रिक्वायर्स अ टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड विद फ्री
ओ एच ग्रुप एट द थ्री प्राइम एंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी रिक्वायरमेंट, थ्री प्राइम एंड पे फ्री ओ एच ग्रुप होना जरूरी है, इसी तभी वो उसको एक्सटेंड कर पाएगा आगे चल के। इट हैज वन कोर एंजाइम, इसमें बहुत सारे तीन सब यूनिट्स होते हैं, अभी एक आगे डायग्राम आएगा, देन आई शो यू। तो एक सब यूनिट जो होता है वो तो लीडिंग स्ट्रैंड के लिए होता है और दो सब यूनिट लैगिंग स्ट्रैंड के लिए होता है। ऑब्वियसली बात है कि एक तो कंटिन्यूस प्रोसेस है और एक डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है, तो एक प्रोसेस तो फास्ट चलेगा, डिसकंटिन्यूस वाला स्लो चलेगा, तो ऐसा एक्सेप्टेबल नहीं है ना कि दोनों स्ट्रैंड्स पे एक तो तेजी से रेप्लिकेट कर रहा है और दूसरा कम स्पीड से, तो ये डिफरेंस नहीं है, इसलिए लैगिंग स्ट्रैंड पे दो एंजाइम्स डाली जाती है। एंड इट हैज एडिशनल प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, क्या मतलब है इसका प्रूफ रीडिंग का भाई, एंजाइम है, एंजाइम इज अ प्रोटीन, नथिंग इज परफेक्ट, तो ये भी कहीं ना कहीं एरर्स इंक्लूड कर देती है, हो सकता है, बहुत रेयर होता है बट फिर भी होता है कि कब इंस्टेड ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर कभी ए के ऑपोजिट सी आ गया, तो वो इस तरह के एरर्स आते हैं, तो ये उसको हाथों हाथ ही करेक्ट करती हुई चलती है, तो ये इंश्योर करती है कि ये सारे एरर्स फाइनल जो हमारा डीएनए का प्रोडक्ट बन रहा है रेप्लिकेशन का उसमें नहीं है। डिफरेंट टाइप्स होते हैं डीएनए पॉलीमरेज के, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ होती है, यूकैरियोट्स में अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन म्यू कई होते हैं, बट जो मेन कोर एंजाइम होती है जो सिंथेसिस करवाती है इन प्रोकैरियोट्स इट इज डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, वेयर एज इन यूकैरियोट्स इट इज सेपरेट फॉर द लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्टैंड पे होती है डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन एंड लैगिंग स्टैंड पे होती है डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। ऐसे ही डीएनए पॉलीमरेज एक अल्फा भी है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर और बाकियों की कुछ रिपेयर में काम आते हैं, कोई रिकॉम्बिनेशन में काम आते हैं, एक्सोन्यूक्लियस प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। सो इट हैज अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस एंड डिफरेंट सब यूनिट्स एंड डिफरेंट टाइप्स। नेक्स्ट स्टेप इज इलोंगेशन, तो इनिशिएशन हो गया, रेप्लिकेशन फॉर्क बनना चालू हो गया है, हेलिकेज एक्टिविटी रेप्लिकेशन फॉर्क को आगे बढ़ाई जा रही है, एंड नाउ वी हैव टू सिंथेसाइज द डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू द पेरेंट स्ट्रैंड्स। तो आरएनए प्राइमर क्या होता है, आरएनए प्राइमर इज अ 10 टू 60 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग मॉलिक्यूल दैट इज सिंथेसाइज बाय डीएनए पॉलीमरेज अल्फा एंड इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कंटेन्स फ्री थ्री प्राइम ओएच ग्रुप। जैसे मैंने बताया था डीएनए पॉलीमरेज को फ्री थ्री प्राइम ओएच चाहिए होता है, सो फर्स्ट प्राइमर इज सिंथेसाइज्ड ऑन द लीडिंग स्ट्रैंड, तो ये फाइव प्राइम से थ्री प्राइम एंड पे सिंथेसाइज होगा, और दूसरा प्राइमर लैगिंग स्ट्रैंड पे, ये भी फाइव प्राइम से थ्री प्राइम एंड पे सिंथेसाइज होगा। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसिस, डीएनए पॉलीमरेज इसको एक्सटेंड करेगी, लीडिंग स्ट्रैंड पे डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन और लैगिंग स्ट्रैंड पे डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। ठीक है, ये हो गया एक्सटेंड, अब ये रेप्लिकेशन फॉर्क यहां से और आगे खिसकेगा, तो ये और इसमें आगे एक डिसकंटिन्यूटी क्रिएट हो गई। नाउ पे अटेंशन कि जो लीडिंग स्ट्रैंड है उसमें थ्री प्राइम ओएच जो है वो इस डिसकंटिन्यूटी की तरफ ही फेस कर रहा है, तो वहां से उसको एक्सटेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बिकॉज इट हैज अ प्रेजेंस ऑफ फ्री थ्री प्राइम ओएच एंड फ्री ओएच ग्रुप एट थ्री प्राइम एंड, देयरफॉर डीएनए सिंथेसिस ऑन लीडिंग स्ट्रैंड इज पॉसिबल। वेयर इज लैगिंग स्ट्रैंड पे आप देखो यहां फाइव प्राइम एंड पे कोई ओएच ग्रुप नहीं है, अगर यहां ओएच ग्रुप होता तो क्या पता यहां से भी कंटिन्यूस वे में सिंथेसाइज हो जाता, तो लीडिंग स्टैंड पे तो कंटिन्यूस सिंथेसिस चल रही है, लैगिंग स्टैंड पे आपके पास यहां पे एक गैप आ गया, एक डिसकंटिन्यूटी आ गई, इसलिए यहां पे दोबारा से एक प्राइमर सिंथेसाइज होगा, दैट प्राइमर विल कंटेन फ्री ओएच ग्रुप एट इट्स थ्री प्राइम एंड, और वहां से फिर दोबारा डीएनए पॉलीमरेज उसको एक्सटेंड करेगी। तो इस तरह से डीएनए पॉलीमरेज जब फ्रेगमेंट्स में इसको एक्सटेंड करती है दैट इज वाई इट इज नोन एज लैगिंग स्ट्रैंड, एंड दीज फ्रेगमेंट्स आर नोन एज द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, दीज आर 150 टू 250 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग फ्रेगमेंट्स एंड दे आर सिंथेसाइज बाय द डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। ये क्लियर है, दिस इज व्हाट आई मेंट व्हेन आई वाज सेइंग कि दो एंजाइम्स लीडिंग स्ट्रैंड पे होती है,
यहाँ पे एक सब यूनिट है और यहाँ पे दो आदमी काम पे लगे हुए हैं, ठीक है, ताकि ये प्रोसेस भी उसी स्पीड से हो सके जो कंटिन्यूस प्रोसेस हो रहा है। अब इसमें बात आती है प्राइमर एक्सिजन की, बिकॉज द प्राइमर इज अ आरएनए प्राइमर, तो डीएनए में आरएनए नहीं हो सकता, इसलिए इसको रिमूव किया जाना जरूरी है। बट लीडिंग स्ट्रैंड कंटेन्स ओनली अ सिंगल आरएनए प्राइमर, वाइल लैगिंग स्ट्रैंड कंटेन्स मल्टीपल आरएनए प्राइमर्स, एंड ऑल दीज प्राइमर्स हैव टू बी रिमूव्ड एट द एंड ऑफ द चेन एक्सटेंशन। तो आरएनए प्राइमर्स को रिमूव करने का काम होता है एंजाइम आरएनएज H1 का यूकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का ही ये रोल होता है कि वो प्राइमर्स को रिमूव करे। अब जो गैप्स बचे हैं उनको फिल करना है, तो अगेन डीएनए पॉलीमरेज विल सिंथेसाइज न्यू डीएनए फ्रॉम द फ्री ओएच ग्रुप्स, और ये इसको एक्सटेंड कर देती है। एक्सटेंड करने के बाद भी कुछ निक्स उसमें रह जाते हैं, सो दीज निक्स आर फाइनली ज्वाइंट टुगेदर बाय डीएनए लाइगेज। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया या कुछ बच रहा है अभी देख के बताओ? बराबर कंप्लीट हो गया या अभी भी कुछ इसमें पेंडिंग है? क्या पेंडिंग है? अभी भी गैप्स है इसमें, कुछ दिख रहा है गैप? जो 5 प्राइम एंड पे जहां प्राइमर रिमूव हुआ है वहां फ्री ओएच ग्रुप नहीं था, तो वहां डीएनए पॉलीमरेज का कोई एक्सटेंशन नहीं हुआ, तो वहां अभी भी गैप रह गया है। तो इज इट पॉसिबल कि डीएनए रेप्लिकेशन के एंड पे गैप्स रह जाए? ऐसा होगा तो हर सेल डिवीजन, हर सेल साइकिल के बाद डीएनए छोटा होता जाएगा, तो इज इट पॉसिबल? तो ये कौन इंश्योर करता है कि ये जो लास्ट डीएनए शॉर्टनिंग हुई है ये नहीं हो? एंड्स कहां पे होते हैं डीएनए के, क्रोमोसोम्स के टर्म्स में हम बात करें तो क्रोमोसोम के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? टीलोमेर, टी आर्म, सेंट्रोमेर, क्यू आर्म एंड अगेन टीलोमेर्स। तो एंड कहां पे हुआ? टीलोमेर्स पे। तो टीलोमेर्स पे ये एंड्स जो है वो शॉर्ट हो जाते हैं आफ्टर सेल डिवीजन, तो इस चीज को ऐसा नहीं हो ये इंश्योर करती है एक एंजाइम टीलोमरेज। वेल एक बार प्रोकैरियोट्स का जस्ट एक ब्रीफ देख लो, यहां पे टीलोमरेज या टीलोमेर शॉर्टनिंग की कोई रिक्वायर मतलब कोई कंसेप्ट है ही नहीं, बिकॉज इट इज अ सर्कुलर डीएनए, तो यहां एंड ही नहीं है, तो यहां पे शॉर्टनिंग होती नहीं है। सो इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, दो रिंग्स होती है, दो रिंग्स रेप्लीकेट होती रहती है एंड फाइनली दे डिसएंगेज फ्रॉम ईच अदर। यूकैरियोट्स में जो शॉर्टनिंग है, टू प्रिवेंट दिस द एंजाइम टीलोमरेज एक्सटेंड्स दी शॉर्टन एंड्स एंड मेंटेन्स द लेंथ ऑफ जीनोमिक डीएनए आफ्टर रेप्लिकेशन। सो द टर्मिनेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स इज डिपेंडेंट अपॉन द एंजाइम टीलोमरेज। नाउ व्हाट इज द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन? क्यों पढ़ रहे हैं हम ये सब डीएनए रेप्लिकेशन? कहाँ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं इन क्लिनिकल और मेडिकल सेंस? जैसे हाँ बताओ, पीसीआर, गुड, सम मॉलिक्यूलर एनालिटिकल टेक्निक्स, डायग्नोस्टिक टेक्निक्स जैसे पीसीआर, आरटीपीसीआर वगैरह, और कहाँ कहाँ इसकी नॉलेज इंपॉर्टेंट है? कहाँ पे? पहला तो आता है देखो म्यूटेशंस। डीएनए रेप्लिकेशन में ऑल दो जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है दैट हैज प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, बट उसके बावजूद भी कुछ एरर्स इसमें इंट्रोड्यूस हो जाते हैं एंड दीज एरर्स कैन एक्यूमुलेट ओवर टाइम एज म्यूटेशंस। कई बार एबनॉर्मल नाइट्रोजनस बेसिस भी आ जाते हैं इनकी जगह, मिसमैचिंग भी हो जाती है, तो इस तरह के कई एरर्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं एंड दैट कैन रिजल्ट इन वेरियस डिजीजेस। सेकेंड इज एजिंग, तो एरर एक्यूमुलेशन एंड टीलोमेयर शॉर्टनिंग ओवर रिपीटेड सेल डिवीजन इज वन ऑफ द प्रपोज मैकेनिज्म फॉर एजिंग। वाई डज एन ऑर्गेनिज्म एज? तो दिस इज वन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। सेकेंड इज कैंसर, सेल साइकिल होती है, सेल साइकिल में डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार होना होता है, अगर उसमें कहीं फॉल्ट आती है तो बॉडी के मैकेनिज्म ऐसे हैं कि सेल साइकिल को वो चेक पॉइंट पे रोक देते हैं,
ठीक है, तो अगर ये चेक पॉइंट समहाउ इफ दीज चेक पॉइंट आर बाईपास्ड, तो सेल जो है दैट स्टार्ट डिवाइडिंग एबनॉर्मली एंड विदाउट एनी कंट्रोल, तो इस ग्रोथ को हम कहते हैं कैंसर। सम एंटी कैंसर ड्रग्स आप पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर फार्माकोलॉजी में, कैंपोथेकिन, टोपोटेकैंस, डॉक्सोरूबिसिन, एड्रियामाइसिन, एटोपोसाइड, ये सब यूकैरियोटिक टोपो आइसोमरेज को इनिबिट करते हैं, यानी जो कैंसर सेल्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर उनकी टोपो आइसोमरेज को इनिबिट करेंगे। टोपो आइसोमरेज काम नहीं करेगी तो सेल रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, तो दैट्स हाउ कैंसर सेल्स कैन बी स्टॉप फ्रॉम डिवाइडिंग। इन्फेक्शन अभी मैंने डिस्कस किया ही था, रेट्रोवायरस होते हैं लाइक एचआईवी, ये भी सेल की रेप्लिकेशन मशीनरी को हाईजैक कर लेते हैं एंड दे ऑल्सो कॉज इन्फेक्शन और डिजीज इन द सिमिलर मैनर। कुछ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होते हैं लाइक फ्लोरोक्विनोलोन्स, ये सुने नाम, सिप्रोफ्लोक्सैसिन, ऑफ्लोक्सैसिन, किसी ना किसी को जरूरत तो पड़ी होगी कभी ना कभी बुखार आया हो तो। ये एंटीबायोटिक्स जो होती है बैक्टीरियल डीएनए गायरेज एंजाइम होती है, दैट इज नथिंग बट बैक्टीरियल टोपोआइसोमरेज सेकेंड, उसको इनिबिट करते हैं। डायग्नोस्टिक टेक्निक्स लाइक आरटीपीसीआर, पीसीआर, डीएनए सीक्वेंसिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कहीं ना कहीं सब में डीएनए रेप्लिकेशन मशीनरी को यूज किया जाता है। नाउ कमिंग टू डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, क्या मतलब है रिपेयर का? रिपेयर कोई चीज कब की जाती है? जब वो डैमेज होती है। तो डैमेज क्या क्या हो सकता है डीएनए में? डीएनए कैन एक्यूमुलेट थाउजेंड्स ऑफ एरर्स और लीजन्स एवरी डे, बट ड्यू टू डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म ओनली लेस देन 1 in 1000 गेट कन्वर्टेड इन टू म्यूटेशन। तो पहला है सिंगल बेस डिफेक्ट। सिंगल बेस डिफेक्ट्स में क्या क्या हो सकते हैं? या तो मिसमैच हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग नहीं हुई हो रेप्लिकेशन के टाइम पे, केमिकल ऑल्टरेशन हो सकता है बेसिस का, डीप्यूरिनेशन, डीएमिनेशन, एल्केलेशन, ये कुछ केमिकल प्रोसेसेस हैं जो नाइट्रोजनस बेस की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं। डबल बेस डिफेक्ट्स, थाइमीन के डाइमर्स बन जाते हैं, एक ही स्ट्रैंड पे बराबर में दो थाइमीन है वो आपस में जुड़ जाएंगे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ये चीजें करा सकती है। सिगरेट स्मोकिंग का जो स्मोक होता है उससे बेंजोपायरिन एडक्ट्स बन सकते हैं, बल्कि बेस एडक्ट्स बन सकते हैं, या फिर सम रेडिएशन लाइक एक्सरे, गामा रेज, दीज कैन कॉज स्ट्रैंड ब्रेक्स, यानी डीएनए के स्ट्रैंड्स को तोड़ भी सकती है चीजें। तो इन सब डैमेजेस से कैसे बॉडी कोप अप करती है, हाउ डज द सेलुलर मैकेनिज्म कोप अप विद ऑल दीज डिफेक्ट्स, तो उसके डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं। पांच तरह के डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स हैं दैट हैव बीन स्टडीड सो फार। फर्स्ट इज डीएनए मिसमैच रिपेयर। मिसमैच मतलब रेप्लिकेशन के टाइम पे ही जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग है वो किसी एक जगह पे गड़बड़ हो गई, जैसे ए के ऑपोजिट टी की जगह कुछ और आ गया या सी के ऑपोजिट जी की जगह कुछ और आ गया, तो इस तरह के इवेंट को हम कहते हैं मिसमैच। तो इनकरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग में रिजल्ट ड्यू टू एरर्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन लीडिंग टू बेस मिसमैच। ये रेड वाला जो बेस या इंडिकेटेड है दैट इंडिकेट्स अ मिसमैच। अब इसको कैसे रिपेयर किया जाता है, इसके पीछे एक ट्रिक है। द ट्रिक इज सून आफ्टर डीएनए इज रेप्लिकेटेड, तो पेरेंट स्ट्रैंड तो मिथाइलेटेड फॉर्म में होता है और जो न्यू स्ट्रैंड होता है दैट इज इन अनमिथाइलेटेड फॉर्म। इस पे कुछ प्रोटीन्स आके जुड़ती है, एक प्रोटीन होती है म्यूट एच दैट गेट्स अटैच एट द अनमिथाइलेटेड साइट, और एक और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है एमएसएच, एमएलएच कॉम्प्लेक्स, ये जहां मिसमैच साइट है उसको आइडेंटिफाई करके उस जगह बाइंड होता है। देन द डीएनए इज लूप्ड थ्रू दिस कॉम्प्लेक्स, इसमें से ऐसे लूप की तरह खींचता है। लूप खींचने की वजह से जो म्यूट एच है वो इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के कॉन्टैक्ट में आता है। तो म्यूट एच जो है इसके पास एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, अपॉन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द अनदर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इट गेट्स एक्टिवेटेड, और वो जो एक स्ट्रैंड है उसको एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से कट कर देता है। देन डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइजेस अ न्यू स्ट्रैंड विच हैज करेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो इस तरह से मिसमैच रिपेयर को करेक्ट किया जाता है। नाउ कमिंग टू बेस एक्सीजन रिपेयर।
अच्छा बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए? डीएनए कंटेन्स थाइमिन एंड आरएनए कंटेन्स यूरेसिल। ये तो बहुत ही गलत जवाब है, ऐसा नहीं होता है। द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए इज जो उनके स्टार्टिंग लेटर में डिफरेंस है, क्या है? हाँ, शुगर का डिफरेंस होता है। तो डीएनए कंटेन्स डीऑक्सीराइबोज, वेयर एज आरएनए कंटेन्स राइबोज। डीएनए में भी यूरेसिल हो सकता है, ठीक है? इनफैक्ट अगर आप किसी भी सेल के अंदर 24 आवर लाइव मॉनिटरिंग करना चाहो, और इफ इट इज पॉसिबल, तो आपको पता चलेगा कि एक सेल के अंदर एट इन गिवन 24 आवर्स देर आर अप्रोक्सीमेटली 10 लाख यूरेसिल मॉलिक्यूल्स इन द डीएनए। इज अ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर। ये क्यों होता है? बिकॉज देर इज अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन नहीं है, इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इन विच साइटोसिन इज डी एमिनेटेड टू फॉर्म यूरेसिल। बट सिंस यूरेसिल कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ डीएनए, इट हैज टू बी रिमूव फ्रॉम द डीएनए। इसी तरह से और भी कोई डिफरेंट एल्केलेशन हो जाता है, डीप्यूरिनेशन हो जाता है, बहुत सारे अलग अलग केमिकल चेंजेस है। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल एंड मोस्ट कॉमन एबनॉर्मल बेस दैट इज एक्यूमुलेटेड इन द डीएनए इज यूरेसिल। एक एंजाइम होती है डीएनए ग्लाइकोसिलेज, जिसमें मोस्ट कॉमनली होती है यूरेसिल एन ग्लाइकोसिलेज। ये यूरेसिल का जो एन ग्लाइकोसिल बॉन्ड होता है, यानी जिस बॉन्ड से ये फॉस्फोडाइस्टर जो चेन है या जो बैकबोन है उससे अटैच होता है, उसको तोड़ देती है। उसको तोड़ के जब ये बेस निकल जाता है तो पीछे जो एक गैप बच जाता है उसको हम कहते हैं ए पी साइट, दैट इज आइदर ए प्यूरिनिक और ए पायरिमिडिनिक साइट। कि यहाँ पे ना तो प्यूरिन है ना पायरिन है, बस एक गैप है। देन अ स्पेशल एंजाइम नोन एज ए पी एंडोन्यूक्लियस गेट्स एक्टिवेटेड, और वो यहां से इस पूरे स्ट्रैंड को क्लीव कर देती है। क्लीव करने के बाद फिर डीएनए पॉलीमरेज यहां पे फ्रेश नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर देते हैं। तो दैट इज हाउ एन एबनॉर्मल बेस जो है उसका एक्सीजन किया जाता है और उसको रिपेयर किया जाता है। सो दिस इज नोन एज बेस एक्सीजन रिपेयर। इसी तरह से एक और नेक्स्ट है न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। यहां सिंगल बेस की जगह सपोज करो एक बड़ा सेगमेंट है जो जो एबनॉर्मल है उसको निकालना है। फॉर एग्जाम्पल थाइमिन डाइमर्स में बी फॉर्म्ड ऑन द सेम स्ट्रैंड ड्यू टू यूवी रे एक्सपोजर। तो इसको हटाने के लिए भी एक सिमिलर सी एंजाइम होती है, दैट इज नोन एज एक्सी न्यूक्लियस। ये जो भी डीएनए लीजन है इसके 3 प्राइम साइड में तो 6 न्यूक्लियोटाइड से कट करती है, और 5 प्राइम एंड पे 22nd पोजिशन से कट करती है, और एक पूरा बड़ा सेगमेंट ये कट करके निकाल लेती है। देन अगेन डीएनए पॉलीमरेज विल रिपेयर दिस बाय सिंथेसाइजिंग न्यू स्ट्रैंड। ये तो हो गए सिंगल या फ्यू बेस के जो डिफेक्ट्स हैं उनकी। बट व्हाट अबाउट व्हेन स्ट्रैंड ब्रेक्स, कि डीएनए के स्ट्रैंड में ब्रेक हो गया, टूट गया है डीएनए, तो उसको कैसे रिपेयर किया जाता है? इसके 2 मेथड्स हैं। पहला है होमोलोगस रिपेयर, सेकंड इज नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग। तो पहले होमोलोगस रिपेयर देखते हैं। ये एक डीएनए स्ट्रैंड है जिसमें एक डबल स्ट्रैंड ब्रेक इंट्रोड्यूस हो गया। इसमें पहले एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से एक एक स्ट्रैंड जो है वो 5 प्राइम एंड को ट्रिम कर दिया जाता है, तो बचे जो 3 प्राइम एंड है उनका एक ओवरहैंगिंग स्ट्रैंड रह जाता है। सो इट रिजल्ट्स इन ओवरहैंगिंग 3 प्राइम एंड्स। अब जैसा कि इसका नेम सजेस्ट करता है, दिस इज अ होमोलोगस रिपेयर। तब कोई भी डीएनए जो है वो होमोलोगस फॉर्म में होता है क्रोमोजोम्स के अंदर। जो क्रोमोजोम्स हैं दे आर होमोलोगस, वन इज डिराइव्ड फ्रॉम द फादर एंड वन इज डिराइव फ्रॉम द मदर। तो जो डीएनए सेगमेंट की कॉपी पैटर्नल पोर्शन में है वही डीएनए सेगमेंट की कॉपी मैटर्नल पोर्शन में है। सो दिस रिपेयर टेक्स एडवांटेज ऑफ दिस फैक्ट। अगर इस ब्रेक के, अब जो ये होमोलोगस सेगमेंट है अगर वो इस ब्रेक रीजन के आसपास ही है कहीं क्रोमोजोम में, तो ये जो 3 प्राइम ओवरहैंगिंग एंड्स हैं ये उसको एक्सप्लोर करते हैं। दे एक्सप्लोर द होमोलोगस रीजन दैट इज अवेलेबल टू देम। ये उस होमोलोगस स्ट्रैंड को इन्वेड करेंगे, और क्योंकि अब इनको अपना कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिल गया है, सो दे विल स्टार्ट सिंथेसाइजिंग द न्यू स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री टू इट। तो स्ट्रैंड इन्वेजन एंड हॉलीडे जंक्शन, इसका नाम हॉलीडे जंक्शन होता है जो ये बनता है। तो ये बनता है और इस पे फिर ये डीएनए का स्ट्रैंड इसी पे एक्सटेंड होता है।
ये कब तक एक्सटेंड होगा? जब तक ये इस ब्रेक की लेंथ जितना लंबा नहीं हो जाता। आफ्टर दैट द एक्सटेंडेड स्ट्रैंड ब्रिजेस द गैप बाय बेस पेयरिंग विद इट्स कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। अब इतना लंबा हो गया है कि भाई उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से वो बेस पेयर कर जाएगा। जैसे ही ये पेयर कर जाता है, एक प्लेटफॉर्म, एक टेम्पलेट मिल जाता है, एंड डीएनए पॉलीमरेज कैन देन सिंथेसाइज अ न्यू स्ट्रैंड। तो इस तरह से डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स को होमोलोगस तरीके से, होमोलोगस क्रोमोसोम की हेल्प लेके रिपेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट इज नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग। ये जरूरी नहीं है कि हर बार उसका होमोलोगस सेगमेंट उसकी विसिनिटी में ही हो। कई बार डबल स्टैंड ब्रेक ऐसी जगह भी हो सकते हैं कि उसका होमोलोगस सेगमेंट इज फार अपार्ट, सो द ब्रोकन स्टैंड कैन नॉट यूटिलाइज द होमोलोगस सेगमेंट। इन दैट केस यहाँ पे एक प्रोटीन, डिफरेंट प्रोटीन्स, बहुत सारी प्रोटीन्स आती है, उनकी एक सुप्रा मॉलिकुलर असेंबली यहाँ पे डेवलप होती है। यहाँ पे भी सेम फंक्शन एम्प्लॉय किया जाता है, फाइव प्राइम एंड्स को ट्रिम किया जाता है, थ्री प्राइम ओवरहैंग्स बनते हैं, एंड देन डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंड्स दीज थ्री प्राइम ओवरहैंग्स सो दैट द गैप इज ब्रिज्ड। तो इस तरह से डबल स्ट्रैंड ब्रेक को नॉन होमोलोगस तरीके से भी रिपेयर किया जा सकता है। नाउ देर आर सम डिसऑर्डर्स, अगर डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स जो हैं दे आर नॉट एफिशिएंट, दे आर नॉट वर्किंग इन प्लेस, तो कुछ सिंड्रोम्स, कुछ कैंसर्स डेवलप हो सकते हैं। तो हर एक रिपेयर मैकेनिज्म से एसोसिएटेड उनकी स्पेसिफिक डिजीज है। दीज डिजीजेज आर इंपॉर्टेंट, इनका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, ये एमसीक्यूज में भी आते हैं, ये नीट पीजी के जब आप एग्जाम दोगे उसमें भी पूछे जाते हैं। मिसमैच रिपेयर अगर डिफेक्टिव है तब जो कंडीशन डेवलप होती है दैट इज नोन एज एचएनपीसीसी, हेरिडिटरी नॉन पॉलिपोसिस कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। बेस एक्सीजन रिपेयर के डिफेक्ट में होती है एमयूटीवाईएच एसोसिएटेड पॉलिपोसिस, जो कोलन होते हैं उनमें पॉलिप्स बनने लग जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर के डिफेक्ट की वजह से होता है जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, कोकाइने सिंड्रोम एंड ट्राइकोथायोडिस्ट्रोफी। होमोलोगस रिपेयर के डिफेक्ट्स होते हैं ब्लूम सिंड्रोम, रॉथमैन थॉम्सन सिंड्रोम, वर्नर सिंड्रोम एंड निजमेगन ब्रेकेज सिंड्रोम। एंड नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग के डिफेक्ट्स होती है सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशियंसी। सो दीज आर सम ऑफ द डिफेक्ट्स दैट आर एसोसिएटेड विद इन इफेक्टिव डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म।